भारत के 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद देश में चीन के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और लोग सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ आक्रोश प्रकट भी कर रहे हैं। इसी के तहत कोटा में भी भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ चीनी उत्पादों की होली जलाकर बहिष्कार का संकल्प भी लिया। भारत तिब्बत सहयोग मंच के उपाध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि यदि हम सीमा पर जाकर नहीं लड़ सकते तो चीन का आर्थिक बहिष्कार कर उसकी कमर को अवश्य तोड़ सकते हैं। भारत और चीन का एक समझौता है कि आपस में किसी भी सैनिक को न मारेंगे न सीमा में घुसेंगे, लेकिन लगातार देखने में मिल रहा है भारत की सीमा में घुस रहा है, साथ में ही अटैक भी कर रहा है। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की आज इस दौर में ये 60 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। मुंह तोड़ जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे, लेकिन भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, भारत की तिब्बत सहयोग मंच के प्रत्येक सदस्य से हम आह्वान करते हैं कि हम यदि सीमा पर जाकर नहीं लड़ सकते तो हम घर में बैठकर भी चीन से लड़ सकते हैं। हम उनके सामानों का बहिष्कार कर सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर सकते हैं, हम उसकी आर्थिक कमर तोड़ सकते हैं।